एक मिनट, आ तो गए हैं लेकिन इन लोगों ने शेयर कर दी, किसी ने बच्चे ने कुछ काम। एक मिनट होल्ड कर लिया। आस्था अपना वो बंद करो कैमरा। हाँ आई थिंक 9 बच्चे आए हैं। हाँ कर लीजिए। कर दे सर कंटिन्यू। हाँ हाँ कर लीजिए। एक मिनट एक मिनट, मैं जरा चेक कर रहा, एक मिनट है। ओके चलिए। हाँ आने के बाद अगर हम यहाँ पे चेक करें इसमें नॉर्थ की वैल्यू पुट करें और एरिया 1 स्क्वायर मान लें और जब इसकी तो हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है।
10 to the power minus 6. अभी ध्यान में आ गया होगा कि अगर इतनी छोटी सी स्टेप कर देंगे तब भी हमारे पास इतना कैपेसिटेंस हो गया तो जैसे 10 टू द पावर माइनस 9 इंफिनिटी इसका वैल्यू कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा हाई 10 टू द पावर माइनस 3 के अकॉर्डिंग अगर हम करके देखें तो अराउंड ये बहुत ज़्यादा होगी। तो जहाँ तक फोकस हमारा आज हम एक नया टॉपिक है पहले अभी हमने पढ़ा कि बैलेंस प्लेट कैपेसिटर में सिर्फ एक वैक्यूम फिल करा अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर दें तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा तो जो टॉपिक है आपका क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। Drag the relation between capacitance and the dielectric constant. Drag the relation between capacitance and the dielectric constant. और इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सप्रेशन इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक एक्सप्रेशन इफेक्ट ऑफ डायलैक्ट्रिक कैपेसिटेंस तो कलर डायग्राम ले लेते हैं लेकिन इसमें हम कैप्चर करने वाले हैं डायलेक्ट्रिक मीडियम तो पहले प्लेट बना लेते हैं और एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव और अभी हम क्या फील करने वाले हैं डायलेक्ट्रिक कंडीशन को क्या बोलते थे डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कल हमने पढ़ाया था टॉपिक क्या था ये पोलराइजेशन ठीक है ये पता है ना क्यों हुआ पोलराइजेशन की वजह और इसमें जो इंड्यूस चार्ज क्रिएट हो जाएंगे उनके लिए इफेक्ट हो जाएंगे पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक और
ये आपका हो जाएगा टोटल रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर हम पूछ लेते हैं इनके बारे में क्या कहते हैं, और ये चार्ज माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और जो ये डाइलेक्ट्रिक्स के अंदर चार्जेस हैं उनको हम लिखते हैं माइनस क्यू डी प्लस क्यू डी। तो इतना समझ में आ गई, जो कुछ भी स्टूडेंट में है तो वो Separation between the plate or dielectric slab of dielectric constant. A dielectric constant ki ko hum kaise denote karte hain? Dielectric constant ko kaise denote karte hain? Inserted
ब्रेक स्पेस बिटवीन सो हमने क्या लिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है और उसका प्लेट का वैल्यू कितना है k और सेपरेशन बिटवीन कितना है प्लेट का डाइलेक्ट्रिक डी सेपरेशन उसका कितना है डाइलेक्ट्रिक स्लैब का और कॉस्ट डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कितना है इसका ए तो डी ए एरिया और डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं पोलराइजेशन की वजह से हमारे पास कौन से चार्जेस क्रिएट हुए हैं प्लस टू पी और माइनस टू पी तो उनको भी लिख लेते हैं जो हमारे पास पीछे थे चार्जेस ये डाइलेक्ट्रिक के चार्जेस हैं माइनस क्यू पी और प्लस क्यू तो इन चार्जेस के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस किसके हैं प्लेट के चार्जेस डायलेक्ट्रिक सो दैट अभी क्या बोला मैंने ये चार्जेस कहाँ से अपेयर हुए हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइजेशन की वजह से ये डायलेक्ट्रिक फील्ड में डायलेक्ट्रिक में जो डायपोल्स थे जो उसमें एक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया तो ये प्लस क्यू पी और माइनस क्यू पी चार्जेस अपेयर उसके दोनों पे तो अब हम यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक की बात करें तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे पहले हमारे पास फॉर्मूला हमें याद है वैक्यूम के लिए व्हेन इज वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स तो हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट जब हमारे पास वैक्यूम था तब ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन बोल रहे प्रियंश वगैरह और पोटेंशियल क्या था एंड द पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट कितना हो गया था हमने एक इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करा था वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये वाला वी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ए इंटू डी आर याद आ रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला था वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डी हम लिख सकते और ये पहले कौन सा वैक्यूम का
तो ये भी हम थोड़ा थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे डायलेक्टिक्स के लिए, समझ में आ रहा है क्या? यहाँ तक क्लियर है? हाँ या ना बोलते बस और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, अपने रिस्पॉन्स दे दिया करो, मुझे लगता है कि कहीं तुम सो तो नहीं रखे हो अभी भी। तो मैं लिख लूँ तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? कैपेसिटेंस सी नॉट इन द केस सी नॉट हम लिख रहे हैं, ठीक है? तो सी नॉट इज इक्वल टू फॉर्मूला, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मोहित का रिप्लाई आया है। मोहित कह रहा है कि मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है ठीक। सर तो ये सर क्या प्रॉब्लम हुई होगी? नेट प्रॉब्लम, उसकी नेट प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, कोई लिख रहा है उसका नेट स्लो है। अच्छा हाँ सही सही, वेरी गुड। सी नॉट इज इक्वल टू क्यू अपॉन, तो यहाँ पे क्यू मैं लिख सकता हूँ, बी है हमारे पास बी नॉट, ठीक है? और वैल्यू अप्लाई करें तो किसके टर्म में आएगा फॉर्म का? किसके टर्म में? एप्सिलॉन नॉट के टर्म में, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हम कल फाइंड कर चुके हैं। सी नॉट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ठीक है? तो मैं मान लेता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंसर्टेड बिगनिंग, अब हम क्या कर रहे हैं? डायलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द पॉइंट, बिटवीन द प्लेट फुल्ली ऑक्यूपाइड, और जब हम डायलेक्ट्रिक फील कर देंगे तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील हो जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील पहले E, तो हमारे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जगह इसको बता सकते हैं कि E की बात कर रहे हैं वॉल की, E भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोल रेजिस्टेंस, और ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट, और ये उसके रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इस फील्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि अब डायरेक्ट फील्ड हो चुका है। क्या किसी को ध्यान है क्या होता है? या ध्यान क्या है? यहाँ पे सिंपल दिख रहा है डायग्राम में, अगर आपने बनाया होगा पीछे डायग्राम क्या होगा बताना कोई, बहुत सिंपल है। जैसे देखो यहाँ पे नॉट सिग्मा अपॉन एप्स नॉट, या तो आप उसको टर्म में लिख लो सिग्मा की टर्म, ठीक है? या आप सिग्मा के टर्म में लिख लो, या आप ई नॉट और ई के टर्म में भी बता सकते हो। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका ई नॉट प्लस ई पी, ये टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रहा है? डायग्राम को देख के देख सकते हो, हाँ ना बोल दो बस, यहाँ तक समझ में आया? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सिग्मा के टर्म में, सिग्मा माइनस
सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा पी क्या है? जो डायलेक्ट्रिक स्लैब है। समझ में आ रहा है? और जब ई हमारे पास आ गया तो ऐसे ही पोटेंशियल भी आ जाएगा, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस एट कॉस्ट ऑफ स्पीड। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा भाई? ई इनटू ई इनटू डी, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंस वही है। यहां से ये ई की वैल्यू पुट कर दो यहां पे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल है, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू। और अगर इस सिग्मा माइनस सिग्मा पी को हम कंपेयर करते हैं इससे, इसको मान लो पी कुछ नंबर, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास डायरेक्टली कॉन्स्टेंट कितना बोल रहा है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, और लीनियर डायलेक्ट। और लीनियर कोलिनियर डायलेक्ट्रिक्स सिग्मा पी टू बी प्रोपोर्शनल सिग्मा पी प्रोपोर्शनल टू ई नॉट, दैट इज का जो रिलेशन है सिग्मा के इज इक्वल टू या ई नॉट का सिग्मा नॉट, सेम ऐसे ही सिग्मा की भी प्रपोजल होगा ना इन टर्म्स में। तो हम इस डायरेक्टेड इस वाले पार्ट को यहाँ से या इस वाले पार्ट को लिख सकते हैं जस्ट सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज प्रपोजल टू सिग्मा पी। आइए तो हम इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट के पहले वाले पार्ट से ई नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो हमारे पास ये भी और ये भी, ये दोनों हम देख सकते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी और सिग्मा पी दोनों में सेम है, बस क्या है ये दो टर्म्स इक्वेशन रिलेटेड, तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जब प्रपोजनल होंगे एक दूसरे के तो हम प्रपोजनल समूह को हटाएंगे, कैसे? सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज डायरेक्टली प्रपोजनल टू सिग्मा, ये समझ में आ रहा है ये बात मेरी? हेलो स्टूडेंट्स, हाँ नमस्ते भाई, समझ में आ रहा है ना कैसे रिलेट कर रहे हैं उससे, तो वैल्यू तो दोनों की सेम ही है ना, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू क्या है, ई इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये वाला जो ऊपर वाला टर्म है और ये ऊपर वाला टर्म है, बस इसमें एक्स्ट्रा टर्म्स आ रही है या एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स है, इसीलिए हम लिख रहे हैं कि ये इसकी क्या है, प्रपोजनल। और इस प्रपोजनल फैक्टर को हटाने के लिए हमें कॉन्स्टेंट टर्म है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, लिख सकते हैं इट्स इक्वल टू के सिग्मा, सिग्मा माइनस सिग्मा पी इक्वल टू सिग्मा, और
सिग्मा माइनस सिग्मा पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन पी। के स्मॉल नहीं है ठीक है, ये कापा केस कापा जो हम पहले बता चुके हैं डायरेक्टिव कॉन्स्टेंट, और इसको हम लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे ध्यान आ रहा होगा कि मैंने डायरेक्टिव ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है कि उसको यहाँ क्यों नहीं लगाया, इतना लगाने का रीजन ये था कि ये सिग्मा जो है इतना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा इंटरनल से, जितने माइनस हो रहा है ना यहाँ पे इसका मतलब सिग्मा ग्रेटर देन है सिग्मा पी से, इससे जो कॉन्स्टेंट उसको बता रहे हैं स्मॉल वैल्यू, क्योंकि ये तो पहले से ही ज्यादा है और ये यहाँ से इससे भी कम हो जाएगा, तो इसको देखेंगे ना यहाँ पे इक्वल होने के लिए टर्म। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर हमारे पास इक्वल में दोनों चीजें हैं तो अगर ये पहले से ही टू है और यहाँ पे टू माइनस वन हो रहा है उसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होनी पड़ेगी किसी टर्म अगर वो इक्वल कर रही है, ठीक है? तो ये दो तीन क्वेश्चन आ चुके हैं पास, आगे बढ़ो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं हल्का सा, पेज में अगर किसी को कुछ डाउट होगी तो वो क्लियर हो जाएगी। पहले डायग्राम बनाया, डायग्राम में क्या था एक डायलेक्ट्रिक स्लैब को हमने पहले प्लेट्स के अंदर क्लियर और उसकी वजह से क्या करने वाले थे आपके टेंस पे यूनिट फाइंड करने वाले हैं, एक्शन इलेक्ट्रिक से यूनिट लगाया है और उसके रिडक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रूट वाले इलेक्ट्रिक फील्ड है, फिर हमने कंसिडर करा है पैरेलल फील्ड कैपेसिटर जिसका एरिया है ए, सेपरेशन बिटवीन है द प्लेट्स और डायलेक्ट्रिक स्लैब का जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो है के, क्योंकि इंसर्टेड है इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स। पोलराइज की वजह से डायलेक्ट्रिक में जो इंड्यूस प्लेट है क्यू और माइनस क्यू पी, जो कि अब हमारे पास अगर वैक्यूम के लिए जो टर्म या जो फॉर्मूला है अभी कितनी बची है सर आपकी वीडियो? सर अब इसमें थोड़ा सा बचा है इसका उसमें, लेकिन टाइम कितना होता है? 10:11 सर, मतलब अभी एक घंटा नहीं हुआ है ना? हाँ 10:11 हुए। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी तो काफी है ठीक है। तो अभी मैं वैल्यू पुट करता हूँ और सिग्मा को रिंग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जब वैल्यू आई थी इधर पीछे क्वेश्चन नंबर 3।
यूज करके यूजिंग इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास अभी दिख रहे हैं साहब यू की वैल्यू क्या थी पहले सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट अभी हमारे पास सिग्मा माइनस सिग्मा पी की वैल्यू आ गई है और हमें रख सकते हैं सिग्मा अपॉन और यहाँ पे इसके साथ डी भी था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के यहाँ तक क्लियर हुआ ये कैसे हुआ ये ध्यान आ रहा है सबको यूजिंग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 3 को यूज करके हम लोग वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू हमारे पास है सिग्मा अपॉन 2 और फिर हमारे पास जो कैपेसिटेंस आ गई सर ये फॉर्मूला तुम लोगों के साथ में और यू की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे सिग्मा इनटू डी एप्सिलॉन नॉट के क्या बात समझ में आई और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए सिग्मा इज सरफेस का डेंसिटी सी क्यू कैंसिल और हमारे पास सी की वैल्यू कैसे आ गया एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी इनटू के इसका कैपेसिटेंस का और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का और इफेक्ट इसका इफेक्ट डायलेक्ट्रिक ऑन अ कैपेसिटेंस आप देख सकते हो यहाँ पे सी पे भी डिपेंड करता है ए पे ए जो बी पे और डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट पे ए अगर ज्यादा होगा तो सी भी बढ़ेगा ए अगर कम होगा तो डिक्रीज होगा तो पहले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे देखो इस एप्सिलॉन नॉट इनको या किसी को दिक्कत नहीं है चलो ठीक है बहुत अच्छी बात है तो सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी या आपके पास इस वैल्यू को अगर हम थोड़ा सा देखें हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कुछ लिखे दिक्कत अपन इसको कुछ लिखे थे क्या
इसके टेंस ऑफ दी पैरेलल प्लेट विथ इलेक्ट्रिक और सी नॉट क्या है कैपेसिटेंस ऑफ दी पैरेलल प्लेट इन वैक्यूम ये इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपको ध्यान रखना है एक रिलेशन आया था आपके पास वहां पे पहले भी एप्सिलॉन नॉट आर के टर्म में एप्सिलॉन नॉट इज ई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट के टर्म ठीक है जिसे हम के भी लिखते हैं कापा सो ये भी एक कैपेसिटेंस के टर्म में ऊपर रिलेशन तो यहाँ से अगर हम देखें इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है तो इग्नोर करके लिख सकते हैं डी कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इंक्रीज is increased by a factor of C. By a factor of C. When the space between the plate is filled with a dielectric of dielectric constant. So, ये लिखने की जरूरत नहीं है तो The capacitance of the capacitor is in this by a factor of K. So, we put it to and the space between the plate is filled with a dielectric of dielectric constant K. और जो ये फॉर्मूला आया आपके पास C is equal to epsilon naught K area upon D इसमें epsilon naught K को करते हैं इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम यहाँ पे जो बात कही ये इक्वल टू सिग्मा आर या इक्वल टू वन ठीक है तो कहते हैं वेयर एप्सिलॉन नॉट के इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम एप्सिलॉन और एप्सिलॉन इज इक्वल टू व्हाट और अगर फॉर वेक्टर की बात कर रहे हैं फॉर वेक्टर की बात करते हैं तो किन क्या ले रहा फॉर वैक्यूम के लिए क्या समझना क्या वन आ जाएगा ठीक है तो वन आ जाने
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन था यार, मैं चक्कर खा के गिर पड़ूंगा, वो भी किसी को पता है यार। ना मैं अभी आम के खा रहा हूँ, तभी तो बंद खाया, दवा खाई, चाबी कहाँ है? अरे यार वो जो लेके गया था परसों वो है नहीं, तुमने फोन करा, वो पता ना वो आए, फिर दो पड़ जाएगी, मैं जान लूंगा हेलो सर। क्या कुछ बात है, नुकसान कर रहा है, मेरी आवाज नहीं आई? हेलो हेलो माइक टेस्ट 1 2 3 मतलब बता दू ना, उस दिन 400 खत्म हुए थे, मैं यहाँ से बोला था तुम लोगों को, तब सुन कर ही इंजेक्शन सुन का भी लगा लो, 300 दिए थे यहाँ से बोला था, पैरेलल प्लेट और इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए जो नहीं बोल रहे हैं, जो खो रहे भी है, जो जा रहे हैं, जो लेफ्ट हो रहे हैं, जो राइट हो रहे हैं, ड्राइंग हो रहे हैं, पहले प्लेट कैप्चर है charge of 1.00 नैनो कूलम, यहाँ पे मैं नैनो कूलम को मतलब क्या होगा, 1.00×10⁻⁹ कूलम इज गिवन टू द capacitor if the plate separation is now 2.00 millimeter. What will be the number difference? आप सबसे पहले पहला वाला क्वेश्चन देखो,
तब नया तो फेंक दिया। क्वेश्चन समझ में आया क्या है? सर आ गया। क्योंकि तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, किसी का मतलब नहीं। मैंने कहा था सिर्फ पहले स्टार्टिंग वाला पोटेंशियल बताना है, मतलब जो पहले था वो 1 मिलीमीटर था। तो आपके पास फॉर्मूला है पहले बताने के कैपेसिटर का? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेन क्या जाएगा? वी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी, और सी की वैल्यू क्यू कितना था? क्यू 1.009 कूलम। और सी 0.177 फटाफट से जरा इसका कैलकुलेशन करके बताओ कितना है। कैलकुलेटर होगा तो उससे कर लो। ये आ रहा है 5.65 वोल्ट्स। हाँ वेरी गुड,
5.6 वोल्ट है, और ये आएगा आपका पास डिफरेंस कौन सा इनिशियल। और अगर आपके पास क्या बोले था कि द प्लेट सेपरेशन इज नाउ इंक्रीज्ड टू 2.00 मिलीमीटर, वो भी इनको था न्यू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको करने के दो तरीके आपके पास, या तो आप पहले देखो कि 1 मिलीमीटर पोटेंशियल के लिए कितना है, फिर कैपेसिटेंस इनक्रीज हो रहा है कितने रफ्तार से, दुगनी रफ्तार से, समझ में आ रहा है कि सॉरी सी का हमारे पास फॉर्मूला क्या है। अगर आपके पास डी तो हो गया मतलब ट्वाइस, तो सी क्या होगा, ये बर्ड है आप चार्ज क्या है कॉन्स्टेंट रहता है, अगर चार्ज कॉन्स्टेंट होगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके वजह से इंक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हुआ देखो सी ये किसका है सेकंड पंप, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्या हो रहा है इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है ना, यस सर डिक्रीज हो रहा है इक्वल टू सी क्यू कॉन्स्टेंट सी डिक्रीज तो नहीं तो होगा इंक्रीज, इंक्रीज तो उसमें रफ्तार से हो गए जिस फैक्टर से डी इंक्रीज हो रहा था उसी फैक्टर से सी डिक्रीज हो रहा है, और जिस फैक्टर से सी डिक्रीज होगा उसी फैक्टर से डी क्या होगा इंक्रीज होगा, तो द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस will be 5.65 volt multiplied by 2 is equal to 11.2. क्या बात समझ में आई? Yes sir. हाँ सर, तो इसको कैलकुलेशन करके करता बहुत टाइम लग जाता, ऐसे करने में था ये, तो मैंने तुम लोगों को कंफ्यूजन के लिए बताया सर कैसे तुम लोग इसको निकाल सकते हो, अगर कोई निकालना भी चाहता है तो वो निकल सकता है। देखो कैसे, देखो आपको टू पता है सी पता है, पहले सी निकाल लो या टेन डी की जगह में टू रखना, टू इन टेन की पावर माइनस थ्री रखना, फिर सी आएगा टू वही रहेगा फिर वी आएगा, मैंने तुम लोगों की कैलकुलेशन बताई है मुझ में। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम कैलकुलेशन करके भी इसे फोन कर सकते हो, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को कैलकुलेशन बताई है। हेलो प्रतीक सर, और क्वेश्चन लिखे उससे पहले मैं तुम लोगों को एक टॉपिक बता रही हूँ, वो है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड डिस्प्ले।
interpretation of an answer to do. Where r is the radius of the acha mere mein yahan pe dekhi on le jao the answer to meaning kya hai it matlab sab aaj aa raha due to a point charge 1 upon 4 pi epsilon naught 2 upon r electric potential due to point charge that thing 1 4 pi epsilon naught 2 upon r to ye v ki jagah main ye value put kar di to kuch ho cancel to kitna jaega na so ye aa gaya capacitance of an isolated sphere. Okay? important भी है. तो भी question कर लेते हैं इसमें पहली क्वेश्चन ये तो समझ में आ गया ना सबको बहुत सिंपल था
कर सकते हो, लेकिन अगर तब फिर यहाँ कोई रहती नहीं। एटमॉस्फेयर में रहेगा ना। हाँ, पर लेकिन ये एक स्टैंडर्ड है। अभी तुम लोग आगे पढ़ोगे वान डी ग्राफ जनरेटर। हेलो, वान डी ग्राफ जनरेटर में तो पढ़ोगे, वहाँ पे जैसे हम भी करते हैं इस को यूज करके ऐसे स्फेरिकल कैपेसिटेंस करके वान डी ग्राफ जनरेटर बनाए। तो हाँ, क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखा दिखा रहा है। अभी कोई डाउट तो नहीं है? एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज एक्सीडेंट कैपेसिटेंस ऑफ 15 पिकोफैरड। Calculate its radius. How much charge should be placed on it to rise its potential to the power 4 volt? क्वेश्चन समझ में आया? जो ये वाला पार्ट मैंने बताया ना तुम्हें, ये एग्जांपल भी दिया था फॉर एयर के लिए, 3×10⁻⁶ वोल्ट मीटर मोल्स। तो कोई बात नहीं, पहले कैलकुलेट करो, जरा रेडियस फाइंड करो कितना है। रेडियस फाइंड करना, इजीली इजीली करा करो तुम लोग, पीको फाइल को चेंज करो, फॉर्मूला यहीं पे लिखा है। अगर तुम लोगों को ये और पता है तो वो भी लगा सकता। एक मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मिनट का टाइम है। फटाफट इसे बताओ, फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है। हुआ, चलो देखते हैं ये पार्ट।
capacitance of an isolated space it C is equal to 2 pi epsilon naught into R. आपको फाइंड करना है R. हो जाएगा नाइन इंटू 10 to the power 9 की वैल्यू होती है और C की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 पिको फैरड माइनस 12 9 5 जो 45 कैंसिल हो रहा है थोड़ा बहुत क्या क्या हो रहा है R is equal to 45 centimeter. Okay, this question is the problem. So 45 centimeter aaya. Sir, kitna topic reh gaya? Sir, ho gaya hai lagbhag. Main last year B part kar deta hu. बी पार्ट में क्या है तो बी पार्ट में आपके पास फाइंड करना है आपको क्यू क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सीवी पिको फैरेड और वी आपका भी आया वी दे रखा है 10 की पावर कितने से राइज होता है 10 की पावर 4 वोल्ट तो क्यू इज इक्वल टू कितना जगह लगभग हो जाए आपका पास 0.5 × 10⁻⁶ वोल्ट 0.5 माइक्रोवोल्ट तो अगर उसको क्या करना था हाउ मच चार्ज टू बी प्लेस ऑन इट टू राइज इट्स पोटेंशियल एक पोटेंशियल टू 10⁴ वोल्ट तो इतना चार्ज चाहिए आज क्लास में इतना ही बाकी किसी को क्वेश्चन हो कोई कहीं पर किसी टॉपिक में पूछ सकता है हो गया सर हो गया ना सेशन ऑफ कर दीजिए किसी को कोई क्वेश्चन है बच्चों नेक्स्ट सेशन 10 मिनट्स में स्टार्ट होगा आपका ठीक है सर क्लोज कर दीजिए